और बताता हूँ मैं आपको, ये जो 10 चक्का है नी, ये भाई आप मानेंगे नहीं, ये 2010 मॉडल ट्राला है। 2010 मॉडल है, देख लो भाई, अभी भी ट्राले ने इतनी जान रखी है। अभी भी हिमाचल से चल के देख लो कितने लंबे लंबे रूट पे चल रही है गाड़ी। तो ये होता है एक गाड़ी को भाई रखने पे। खुद आप तैयार करते हैं, कूलिंग बहुत वधिया जी। अच्छा जी, हाँ जी, ये गाड़ी ना तक स्टार्ट होगी, 2-3-4 दिन भी चलते रहे ठीक है जी, स्टार्ट नहीं होगी। देखो जैसे अभी मान लो मेरे को लग रहा है अभी मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, मोशन तोड़ रही है, अभी मैं लाइट मोड में चल रहा हूँ। अब जैसे ही मैं देखो हैवी मोड ऑन करूंगा ना, एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। 6 घंटे में इसने बैटरी भी बिठा दी, सुबह देखा मैंने अब 20 वोल्ट हो गया था करंट, तो शुक्र है गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट। और अब ना इसका पंप चल रहा है, वो पानी जो उठाता है ना ऊपर, वो भी नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत होगी यार अभी इसको, अभी 5-6 घंटे ही हुए थे लगाए को, पानी भी नहीं उठा रहा है और ऊपर से 20 वोल्ट हो गया था करंट। मेरे को लगा गाड़ी धक्का स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नमस्कार जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों मैं आपके पहुंच गया हूं मलकापुर में, मलकापुर महाराष्ट्र में। रात आपने वीडियो में देखा होगा तो मैं इच्छापुर बॉर्डर से पीछे रास्ते वाली वीडियो क्लोज कर दी हुई थी बुरहानपुर में आके। तो हम सुबह पहुंच गए थे यहाँ होटल पे 5:30 या 6 बजे के करीब। तो दिन भर आज हम इधर ही रुके हुए थे। तो मैं आपको बता दूँ भाई, मैं निकला हूँ हैदराबाद के लिए अपनी गाड़ी में रूटावेटर लोड करके। आज है भाई हमारा day 6, क्योंकि 3 दिन तो हमारे उधर लग गए, जो हमारे साथ इंसिडेंस हुआ आपको पता ही है, उसके बाद 3 दिन हमारे को निकले को हो गए। और आज तारीख भाई 5 तारीख है, आज 5 अप्रैल। तो यहाँ मैं इसलिए खड़े हुए थे दिन भर से क्योंकि दिन में आजकल ना आपको पता गर्मी बहुत हो गई है, तो उस करके गाड़ी चलाई जाती है। तो मैं कहा शाम के टाइम निकलेंगे। अब हमारा सफ़र भी यहाँ से सारा 550 किलोमीटर रह गया है जहाँ हमने जाना है। तो साथ में यहाँ पर कूलर बहुत अच्छे मिलते हैं भाई, बहुत से भाइयों को पता होगा मलकापुर में भाई कूलर इतने अच्छे मिलते हैं। ज्ञानी जी मलकापुर नाम से दुकान मशहूर है, वहाँ भी ये दुकान और एक कूलर की दुकान यहाँ है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या गाड़ी के लिए कूलर ले लेते हैं, एक लेके चलेंगे कि भाई गर्मी बहुत है आपको भी पता है। और साथ में पिछली वीडियो में भी देख लिया होगा आपने, और मेरे साथ आ गया था ये सुमित नागदा से, MP से, जो वो भी मेरे साथ आ गया हुआ था। और ये गाड़ी तो साथ में चल रही है, अब इनका माल भी हैदराबाद का ही है तो मैं का साथ साथ ही चल पड़ेंगे। और बाकी कल को तो संडे है, कल खाली होनी नहीं गाड़ी, अब गाड़ियाँ मंडे को ही खाली होंगे। तो अब शाम होगी, अब सोच रहे हैं मैं का चलो फटाफट पहले कूलर लेके आते हैं, आपको भी दिखाते हैं भाई कैसा कूलर लिया गाड़ी के लिए और कितने का लिया, बताते हैं आपको बाद में। बाकी चलें सुमित, चलते हैं हम जाके कूलर लेके आते हैं पार से, ठीक नहीं? अच्छा चप्पल है उसके पास, ठीक है भाई। तो धूप बत्ती लगे करने, हमने भी करनी अब थोड़ी देर के बाद धूप बत्ती, उसके बाद करेंगे अपना सफर शुरू आगे के लिए। अखबार से ना बढ़िया होते भाई शीशे साफ। मेरे पास वैसे तो है, मैंने ये क्लॉथ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यार इसे उतने अच्छे से नहीं साफ होते, बीच में दाग रह जाते हैं। जो पेपर से होते हैं ना भाई शीशे साफ, ये नेक्स्ट लेवल ही होते हैं। अब देख लो पूरे हैं चमंगे शीशे बढ़िया तरीके से। अब साइड ग्लास रह गए मेरे करने, ये करता हूँ उसके बाद जाऊँगा। बोरे भाई हमने भी जाना है, बोले दुकान पे साथ में चलेंगे। एक भाई तो ना आ रहा है, मैं तो पहले ही आ गया था ना आके, फिर जाएंगे पार, बोले कूलर लेने। मैं कहा उतने को शीशे साफ कर लेता हूँ, अब अंधेरा अंधेरा तो देख रहे आप, धीरे धीरे हो गया जी अब पूरे तरीके से अंधेरा, धूप वगैरह कर लिया, शीशे साफ हो गए हुए, अब निकलने के लिए रेडी थे। मैं कहा कूलर वाली बात आ गई थी, तो और बार तो जो कूलर थे हम वो लेते थे ज्ञानी जी से, वो ज्ञानी जी की दुकान तो सामने है लेकिन ये दूसरी दुकान है, ये भी अंकल खुद ही बनाते हैं कूलर। मैं कहा इतनी बार हमने ज्ञानी जी से लिए, आज इनसे भी ले रहे हैं कूलर, एक इन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ पहले, लेकिन मैं इनको बोल रहा हूँ मैं कहा सामने तैयार करके दो। अब देखो ये खुद लगे हुए तैयार करने, और इस कूलर की ना भाई हवा एक नंबर है। अंकल जी सुन, बोलते ये कूलर धक्का स्टार्ट भी नहीं बोलते गाड़ियों करता है, इसके फायदे बताओ क्या क्या है इस कूलर के फायदे, दसो अंकल जी ये कूलर किदा कितो ल्यांदे तुसी ये कूलर? कूलर असीं खुद आप तैयार करते हैं, कूलिंग बहुत वधिया जी। अच्छा जी, हाँ जी, ये गड्डी ना धक्का स्टार्ट होगी, 2-3-4 दिन भी चलते रहे ठीक है जी, स्टार्ट नहीं होगी ठीक है जी। ये मैन्युफैक्चर अपना खुद करते सर। अच्छा जी, मोटर असीं खुद वेंड करते हैं ठीक है, हाँ जी, पंप भी असीं खुद बनाने। अच्छा जी, जेड़ा पानी वाला पंप है इसका, जल्दी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है। चलो बढ़िया जी, बढ़िया, गारंटी पूरी सीजन दी आउंदी है ठीक है जी।
तो भाई क्योंकि पहले इस पर वैसे भी भरोसा हमारे को है ही है, मैंने पहले भी जब मैं एलपी होती थी मेरे पास उस टाइम भी लिया हुआ था, बाकी सब भी लेते हैं, इन्होंने भी लिया। आपने कितने कूलर लिए होंगे ऐसे वाले? मैं 13 कूलर ले लेता हूं देख लो। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं मैं लेके रख लेते हैं भाई, इसमें ऐसा पानी डालने के लिए भी साइड से अब है तो मेरे पास ऑप्शन। इन्होंने अंकल ने कूलर टांगो रहता होते, अच्छा लकड़ का बंद सराख मारो उत्ते टांगो छीट छूट वगैरह निकले और इधर हेठा पैर बढ़ जाते हैं, एवं नहीं है कि रख के जगह घेर लेना ना, पानी नी बाहर गिरेगा। तो लेकिन इसमें ये है भी इसकी कूलिंग ना उससे कम है, ठीक है, इसमें कूलिंग ज्यादा है उसके। अब इसमें प्लास्टिक की बॉडी लगी हुई है, पानी गिरने का चलो इसमें कम खतरा, लेकिन कूलिंग कम है। अब इसमें ऐसा है ये पानी इसमें साइड से डल जाता है, देख रहे हैं आप, पानी डालने के लिए साइड से ही हो गया, निकल भी जाएगा बार बार से ही। तो और अगर आपको किसी ने भाई इनसे बनवाने हैं ना, ये इनका नंबर है, ठीक है, आप इस नंबर पर फोन करके इनको बोल सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? एम एस ज्ञानी, ठीक है, तो इनसे नंबर इनका सामने है। बाकी मैं आपको रेट बता देता हूँ, जब ये सारा कुछ कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे को रेट बता देंगे भी किस रेट का ये कूलर है। चलो जी भाई रख लिया हमने कूलर, कर दिए दोनों गाड़ियों में फिट, तो इसमें भी रख दिया, इन्होंने भी चेंज कर लिया कूलर, मैं दिखाता हूँ देखो यहाँ पीछे। तो भाई और कूलर का रेट बताता हूँ आपको भाई, 3500 रुपये का कूलर है ये, और जिसने लेना है मान लो ये दूसरे वाला कूलर प्लास्टिक वाला, ये 3700 रुपये का है और वो दूसरा 3500 का है। ये छोटे वाला नहीं, मैंने पूछा अंकल ये छोटे वाला कितने का है? ये 2500 रुपये का है, एक एंटर गाड़ियों के लिए। चलो अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 9:30 बज गए इधर ही, अब निकालते हैं गाड़ियाँ। चल सुमित भाई चला लेते हैं रोड पे, बाकी फिलहाल हमने कूलर देख लो ऐसे ही रखा है यहाँ पीछे, इसके वो अभी वूफर भी है JBL वाला, वो उसका पेटी भी है, इस करके आ नहीं रहा। अब जब सोना होगा तो पेटी को निकाल देंगे बाहर, इसको डाल देंगे पीछे कूलर को, मस्त हवा आएगी भाई। चलिए तो करते हैं अपना सफर शुरू, लेके प्रभु श्री राम जी का नाम। अभी हम पहुंच गए हैं बालापुर महाराष्ट्र बाईपास में है, बाईपास और मोस्ट पार ही कर लिया है। अब ये जो रोड है सीधा नागपुर जा रहा है, अकोला से जस्ट पीछे है, और ये रोड ना काफी अच्छा है भाई, लेकिन अब इस रोड को हमारे को छोड़ के जाना पड़ रहा है। बालापुर से टर्न हो रहे हैं पातूर वाली साइड के लिए, पातूर फिर आगे बाशी मिंगोली होते हुए नांदेड़ के लिए निकल रहे हैं, और आगे होटल वगैरह देखेंगे, खाना भी खाएंगे। बस ये रोड छोड़ने को मन नहीं कर रहा था, काफी अच्छा रोड था ये, लेकिन अभी छोड़ना पड़ेगा हमारे को। अब शायद सिंगल रास्ता आएगा इधर से पातूर वाला, बाकी जैसा भी होगा बताते हैं आपको। यहाँ ब्रिज के नीचे से होना है हमने टर्न राइट बालापुर, आइए आ गया ब्रिज दिखाना था सुनी तो भाई, यहाँ से मुड़ना है अपने नीचे, हाँ इधर से ही जाना है। लो अब टर्न हुए हम बालापुर से पातूर वाले रोड पे, ये रास्ता है भाई ये सिंगल है। अभी आके पहुंचे हैं जी पातूर, अब वापिस से हमारे को 4 लाइन रास्ता लग गया है। ये थोड़ा सा था स्ट्रेच, बीच में ना 30 किलोमीटर का स्ट्रेच था वहाँ से बालापुर से यहाँ तक का, वो रोड सिंगल था, लेकिन फिर भी अच्छा है रोड, ऐसा नहीं है भी खड्डे वगैरह या कहीं ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं थे, रोड काफ़ी अच्छा था। उसके बाद वापिस से पातूर बाईपास में पहुँच गए हैं, और रास्ता भी भाई काफ़ी अच्छा 4 लाइन है। जब लास्ट टाइम आया था मैं 2021 में, उस टाइम काम चल रहा था इसका, आप देखते हैं भाई कहाँ तक बन गया रोड और कैसा बना हुआ है, ये सब बताऊंगा आपको, बने रहना आपने वीडियो में लास्ट तक।
और ये जो घाट देख रहे ना भाई, ये है पतूर घाट। और घाट में देखो, जैसे अभी मान लो मेरे को लग रहा है अभी मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, मोशन तोड़ रही है, अभी मैं लाइट मोड में चल रहा हूँ। अब जैसे ही मैं देखो हैवी मोड ऑन करूंगा ना, एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, टॉर्क बढ़ जाएगा एकदम से ही, और घाट उसी गियर में गाड़ी चढ़ जाएगी। मान लो देखो अभी बढ़ गई, अब मेरे को लग रहा है अभी गाड़ी खींचेगी और बड़ा गियर मांगेगी। तो ये यूज़ है भाई इसका, जो ये लाइट मोड रहता है और हैवी मोड रहता है। देखो अभी हैवी लगा है, गाड़ी खींचते हुए जा रही है, और वापिस से मैं इसको लाइट में ही कर दूंगा, क्योंकि इसे डीजल में भी फर्क पड़ता है। बाकी मैं तो ज़्यादातर लाइट मोड में चलता हूँ, लेकिन जहाँ गाड़ी मोशन तोड़ती है थोड़ा, वहाँ पर जाके इसको वापिस से हैवी दबाना चाहिए। मेरा मतलब मेरा कहना ये है भाई, मेरे यूज़, बाकी आप देख सकते हो हैवी में चलना या लाइट में। चलिए जी दोस्तों, हम आके पहुंच गए हुए हैं वाशिम के नज़दीक आके हैं, वाशिम से थोड़ा पीछे हैं। यहाँ एक होटल पे आके लिए ब्रेक, जींद कैथल हरियाणा ढाबा। सुमित करो टायर चेक और गिटियाँ वगैरह निकालो, ठीक है। तो जी टाइम भी रात के बज रहे हैं, अब ऑलमोस्ट 12:30 हो गए। मैं कहा चलो खाना खा लेते हैं, भूख सी भी लग रही है अब। और होटल भी आपको पता, अपने हरियाणा वाले भाइयों का होटल है, मैंने चल इधर ही खा लेते हैं खाना, इनको भी बुला लेते हैं, उस्ताद जी को, ये भी मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं, बस नांदेड़ तक ही हम साथ, नांदेड़ से अलग अलग हो जाएंगे। हाँ जी भैया, मैं बोल रहा हूँ खा लेते हैं खाना फिर। बिल्कुल जी, आ जाओ मन्नी भाई। रोड काफी अच्छा बन गया ये, नहीं मजा आ गया भाई। मेरे को लगा, मैं कहा वैसा ही होगा, पहले ना सही नहीं था इतना अच्छा ये रोड, जब मैं आया था 2021 के बाद मैं इधर आया ही जब तो सिंगल था सर। हाँ काम चला हुआ था, अब तो एक नंबर रोड बन गया, मजा आ गया भाई। पूरा अभी कोई कोई पॉइंट रह गया, बाकी सारा बन बाकी गया। ये जो पीछे आया था अभी देखो, नागपुर वाला एक्सप्रेस वे रोड नास्क, हाँ कनेक्टिविटी देख रहे ना ऊपर से, मतलब ऐसा दृश्य दिख रहा था, सीधे कोलकाते के लिए बन गया, नागपुर तक बन गया, नास्क तो नागपुर बन गया, चले फिर। चलो जी भाई, पहले तो ऐसा करते हैं खाना वगैरह भी खा लेते हैं, आ जाओ फिर आप लोग भी। ये बाकी होटल भी काफी अच्छा है, बाकी बताते हैं आपको क्या खाएंगे आज हम खाने में। चना मसाला मंगाया हमने आज खाने में, कैसा है खाने को? ठीक है, मगर इसमें मेरे को लग रहा है आरारोट है डाला हुआ शायद। चलो भाई करे थे अब हम भी अपना खाना शुरू। आज चना मसाला मंगाए हमने, चना मसाला खा रहे हैं। ठीक है चलो खाना खत्म कर लेते हैं। चलो जी, चलो भाई खा लिया है खाना, काफी अच्छा था खाना भाई, मजा आ गया खाना खा के। अब चल रहे हैं यहाँ से, और ये जो होटल है इनका, ये भी हरियाणा से ही है, जींद से, इसलिए नाम इसका रखा है जींद कैथल हरियाणा। इनका एक होटल उधर वाला बता रहे थे, वो होटल भी बोलते हमारा ही है, काफ़ी बड़ा होटल है बनाया इन्होंने। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये जो 10 चक्का है नहीं, ये भाई आप मानेंगे नहीं, ये 2010 मॉडल ट्राला है, 2010 मॉडल है, देख लो भाई। अभी भी ट्राले ने इतनी जान रखी है, अभी भी हिमाचल से चल के देख लो कितने लंबे लंबे रूट पर चल रही है गाड़ी। तो ये होता है एक गाड़ी को भाई रखने पे, अब इन्होंने गाड़ी ओके रखी है तो आज भी वैसे ही चल रही है गाड़ी, कोई इसको देख के बोल नहीं सकता अभी 2010 मॉडल गाड़ी होगी ये। चेक करो ये भाई 2010 मॉडल ट्राला। चलो भाई हम भी निकलते हैं अब यहाँ से, वाशिम वगैरह कर लेते हैं पार, फिर उसके बाद देखेंगे जहाँ 4 या 5 बजेंगे वहाँ जाके फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल फिर संडे है, खाली तो ऐसे भी होनी नहीं, खाली तो परसों ही होएगी, फिर क्या फायदा पूरी रात जाग के। चलें सुमित फिर निकालते हैं गाड़ी, है ना। ये है शायद हिंगोली, हाँ हिंगोली
बोली पार कर ली है मैंने। अपना अंधेर रहता था यहाँ से 80 किलोमीटर, और भाई अब हल्की हल्की नींद भी आने लगी हुई है। टाइम भी सुबह के 4 बजने वाले हैं, देख रहे आप। बाकी तो सो रहा है, सुमित तो सो रहा है, मैं भी देखता हूँ आगे कहीं अच्छा सा होटल, होटल पे जाके फिर सोएंगे। हाँ तो कूलर लगा के सोएंगे भाई, बढ़िया मस्त एसी वाली फीलिंग लेंगे। चलो मैं फटाफट ढाबा ढूंढता हूँ आगे, वहाँ मिलते हैं आपसे। हेलो जी भाई, आराटी फाटा के पास है ये होटल मईदपुर का ढाबा। तो यहाँ लगा ली मैंने साइड में, क्योंकि अब नींद आ रही भाई। सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं क्या भाई सोना है। यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया था नांदेड़, अब मैं क्या भाई सो जाते हैं। इनको पूछ लेते हैं भाई इनका क्या प्रोग्राम है। एक तो इनकी लाइट है बहुत है, खतरनाक है, हो गई बंद। भैया मेरे को नींद आ रही है, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, सो जाते हैं। मेरे को तो पीछे पीछे चक्कर से लग गए थे यार, सो जाते हैं। इधर भी नहीं, यहाँ पानी भी है पर टंकी में, उसे भर के अपने कूलर में डाल देते हैं और सो जाते हैं। सुबह देखेंगे सो के उठते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग भाई, सो के उठ गए हुए हैं। 11:30 बज गए भाई, 5-6 घंटे सो लिए, और अभी धूप हो गई थी तेज, इसीलिए अब मैं कहा चलो चाय पी रहे, अब निकल रहे भाई यहाँ से। 11:30 बज गए, यहाँ पर सोए थे हम रात। ये होटल है भाई, इस होटल के पास सोए थे रात, और यहीं लगाई थी गाड़ी हमने। उठ के देखते फिर हमने क्या काम कर दिया, पानी उतार दिया सारा कूलर से बाहर, नहीं तो गिर जाएगा चलते चलते। और कूलर को फिलहाल ऐसे ही सेट कर दिया, और कूलर ने एक काम और कर दिया इसने भाई, इसकी ना पंप नहीं चल रहा है अब। रात तक सही चला वो पानी जो उठाता है ना पंप। यार चाय गिर गई वापिस, लेके आना है कूलर ने। एक रखा हमने कूलर, देख रहे आप पीछे कैसे, इसकी तार फिलहाल मैंने ऐसे ही डाली थी, क्योंकि कनेक्शन मेरे पास यहाँ है, टेम्परेरी किया है। मैं क्या इसको अच्छे से करेंगे जाके, लेकिन रात लगाया था ये, 6 घंटे में इसने बैटरी भी बिठा दी। सुबह देखा मैंने, अब 20 वोल्ट हो गया था करंट, तो शुक्र है गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट। और अब ना इसका पंप चल रहा है, वो पानी जो उठाता है ना ऊपर, वो भी नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत होगी यार अभी इसको, अभी 5-6 घंटे ही हुए थे लगाए को, पानी भी नहीं उठा रहा है, और ऊपर से 20 वोल्ट हो गया था करंट। मेरे को लगा गाड़ी धक्का स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन शुक्र है हो गई स्टार्ट 20 वोल्ट में भी। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, आगे के लिए सफर करते हैं भाई। निकल रहे हैं दोस्तों यहाँ से। एक तो दिन में गर्मी बहुत है यार, गाड़ी चलाने में शामी हो जाती है गर्मी में। बाकी खाना वाना तो आगे ही खाएंगे, अभी तो एक बार नांदेड़ कर लेते हैं पार, नांदेड़ के बाद देखते हैं कहीं उधर करेंगे लंच वगैरह। चलिए तो मिलते हैं आपको अब सीधा रोड पे। बाकी भाई एक बार रोड देख लो भाई, वट निकालने पड़े हैं भाई रोड के, काफी अच्छे रोड है भाई ये। होप भाई आगे भी ऐसे ही हो रास्ता, जिधर को मैंने जाना है निर्मल वाली साइड को, निर्मल से जाऊंगा मैं सीधा करीम नगर के लिए, क्योंकि हमारा माल करीम नगर का है तो इसीलिए। नहीं तो अगर हमारा हैदराबाद का होता तो हमारे को देगलूर साइड से जाना था, लेकिन इस बार हमारे को निर्मल होके जाना है। अब देखते हैं उधर को कैसा होएगा रोड, उधर को तो आई थिंक सिंगल ही होएगा रोड, बाकी नांदेड़ तक तो भाई एक नंबर रोड बन गया है देखो। क्यों भाई सुमित क्या कहता, रोड काफी अच्छा नहीं है? अच्छा काफी अच्छा, पहले तो सिंगल होता था सारा, अब तो भाई बहुत खतरनाक रोड बन गया, मजा आ गया भाई। अभी मैं पहुंच रहा हूँ अर्दापुर, नांदेड़ से 35-40 किलोमीटर पहले हूँ। तो इधर ना रोड के साइड में केले के बगीचे आ रहे हैं बहुत, ठीक है, तो इस साइड से भी केला बहुत आता है,
यहाँ से नांदेड़ से भी हमारे हिमाचल का केला जाता है यहाँ से। आजकल तो पता नहीं यहाँ है या नहीं इस टाइम खेती, अगर किसी को पता है तो भाई कमेंट करके बताना भी आजकल है यहाँ गर्मी में केला है नहीं है, क्योंकि तो आजकल सावदा साइड से तो बहुत केला निकल रहा है। क्या आप इस एरिया में भी आजकल होता है केला? तो हमारा महाराष्ट्र का सफर ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 किलोमीटर रह गया हुआ है, तो हमने अब निर्मल की तरफ को जाना है। पहले तो हमने देगलूर की तरफ से जाना था, लेकिन वो तो हैदराबाद के लिए वो रूट पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमने मान लो इस साइड जाना है वरंगल वाली साइड या करीमनगर, तो उसके लिए भाया निर्मल जाना पड़ेगा। तो उसके बाद 50 से 100 किलोमीटर के बाद हम जाके सीधा तेलंगाना में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए फटाफट अपना सफ़र करते हैं, उसके बाद तेलंगाना में एंटर हो के ही फिर रुकेंगे खाना वाना खाने के लिए। बाकी ये देख लो साइड में है केले के बाग है इधर। देखिए यहाँ से टर्न ले रहे हैं हम लेफ्ट के लिए, क्योंकि ये सीधा जा रहा है नांदेड़ और निर्मल वाला रोड इस पुल के नीचे जाता है। या देख लो इसके नीचे से बता रहा है। तो अभी निर्मल 115 किलोमीटर यहाँ से होता तेलंगाना में ही पड़ता है। तो चले अब हो जाते हैं भाई टर्न इधर से। आगे एक गाड़ी भी जा रही थी, अभी उनको अंकल को करते हैं फ़ोन, पूछते हैं जरा वो कहाँ है। वो भी इधर आके तेलंगाना में एंटर होके खड़े हुए थे रात। बाकी अभी तो मैं फ़ोन किया नहीं उनको, करता हूँ फोन। पहले जरा यहाँ से गाड़ी घुमा लेते हैं, इस रोड को देखते हैं कैसा रास्ता है। अब तो सिंगल ही होगा मेरे हिसाब से। एक बज गया, डेढ़ बज गए, डेढ़ बज गए भाई। आने दो आने दो आने दो। सिंगल ही रोड है, सिंगल है। चलो ज्यादा खड्डे वगैरह ना हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट महाराष्ट्र से हम निकलने वाले हैं। तो पीछे तक तो ये सारा रोड सीमेंटेड बन गया हुआ था, बहुत बुरी थी, और अब इधर बनने वाला है। मतलब ये फिलहाल तो महाराष्ट्र रह गया 2-4 किलोमीटर। आरटीओ की चेक पोस्ट तो पीछे आ भी गई थी। आरटीओ चेक पोस्ट से हम निकल आए आगे, वहाँ पर एंट्री 100 रुपये दी हमने। उससे पहले एक पुलिस की चेक पोस्ट भी आई थी है ना, वो तो ज़्यादा मांग रहे थे पैसे, 1200 रुपये एंट्री मांग रहे थे, बोलते लगेगी। उसके बाद कैसे कैसे करते हमने वहाँ 100 रुपये दिए, वो FIR दिखाई कि भाई यार हम पहले ही परेशान हैं, भाई पहले से ऐसा सीन हो गया था, तब जाकर उन्होंने 100 रुपये लिए और हमारे को छोड़ दिया। तो बात करते हैं भाई वेदर की। अभी खुद देख लो आप, देखे अभी महाराष्ट्र में अभी इधर ऐसा दृश्य है, पेड़ पौधे देख लो आप। और इसके बाद तो जैसे आगे हम कर्नाटक में, सॉरी अब तेलंगाना में एंटर होंगे हम, इसके बाद अब उधर का वेदर और तरह का होगा। और अभी भाई 2:30 बज गए हुए हैं, अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। अब सोच रहे हैं तेलंगाना में एंटर करके ही खाना वगैरह खाएंगे, और इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं तक ही रखेंगे क्योंकि महाराष्ट्र से निकलने वाले हैं। नई वीडियो की शुरुआत हम तेलंगाना में एंटर करके ही करेंगे, वो सब मैं आपको आपका अगली वीडियो में देख लेना, ठीक है? तो चलिए तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो। जल्दी आपको मिलता हूँ तेलंगाना की धरती से। पहली बार जा रहा हूँ भाई तेलंगाना, बाकी अब बाय बाय कर रहा हूँ महाराष्ट्र के लिए। बस ये गाड़ी पहली बार जा रही है समझ लो तेलंगाना में। ओके फिर बाय, जय श्री राम, सबको बाय कर दो भाई।